नमस्कार दोस्तों, इनकी उम्र 43 इयर्स हो चुकी है, कंप्लीट हो चुके हैं। ये बिजनेस में ग्रोथ कब अभी आपको मिलने वाली है, बिजनेस में ग्रोथ मैं वो वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा और आपके साथ क्या हुआ होगा वो भी मैं बताऊंगा। घर कब, वो मुझे कोई ऐसा संकेत नज़र नहीं आ रहा है घर के बारे में, तो मैं उसके बारे में स्पष्ट आपको, क्योंकि कोई ऑफशूट वॉफशूट नज़र नहीं आ रहा है। इन्होंने लिखा है 2022 में खूब लॉस हुआ, वो क्यों हुआ होगा वो मुझे आपके हाथ पर दिख रहा है, मैं बहुत स्पष्टता से बताऊंगा। पारिवारिक शांति कब, जुपिटर आपका बहुत हद से ज़्यादा खराब है, मैं इसका उपाय दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब एक एक करके इनके हाथ को समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता। तो मेरे इन लोगों से एक ही सजेशन है कि आप किसी न किसी को पूछ कर आगे बढ़िए, ये ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फैलेंज नुकीला है या नहीं वो पता नहीं चल रहा, पर सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते हैं जहाँ जरूरत होती है। और अंगूठा मांसल है हाथ के मुकाबले भी, तो थोड़ा सा स्ट्रांग एटीट्यूड भी रहता है और हाथ एकदम मजबूत है, मेहनती लोगों के हाथ जैसा होता है वैसा है ये। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली भी बड़ी है, ये भी हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क ले रही हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए कि छोटी उंगली इतने ऊपर तक जा रही है, ये एक तरह का ईश्वरीय वरदान समझो आप, ईश्वरीय वरदान। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। ये उंगली है छोटी पर ये बहुत बड़ा खेल करती है, बहुत बड़ा खेल जीवन में। एक तरह का ईश्वर का आशीर्वाद मिला है ये समझ के चलो, ये उंगली का बड़ा होना। इनकी मेमोरी भी क्या पावरफुल होती है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही है और बुध पर्वत भी व्यवस्थित है, तो बहुत ज्यादा लाइनें तो नहीं है पर जैसा चाहिए वैसा बुध पर्वत है, उभार है, तो बिजनेस सेंस आप में 100% होगा। दो चार भाषाओं के जानकार भी होंगे, बोलने ना आए तो समझ में तो आती है। अब ये लाइन यहाँ स्टॉप होती होगी तो ये लव मैरिज की लाइन है। अब इनका लव मैरिज हुआ या क्या हुआ है पता नहीं, पर ये अगर काट कर आगे जाती है तो बात डिफरेंट हो जाती है। पर ये लाइन है और इसको अगर टच करके रुकती है ये, तो ये लव मैरिज की साइन है। मुझे पता नहीं इनके जीवन में किस तरह से शादी हुई है। अब इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, बहुत ट्रिमेंडस साइनें तो इनके हाथ में मुझे नज़र नहीं आई है, पर योग्य पैसा कमाने की साइनें जरूर है इनके हाथ में। एक यहाँ पर है, यहां पर है, एक इस जगह पर है और एक यहां पर है। तो इतनी साइनें हैं, बहुत बड़ी साइनें नहीं है पर तो भी व्यवस्थित है, व्यवस्थित पैसा कमा लीजिए।
शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता है किसी को पता ही नहीं होता। और ये देखिए जुपिटर माउंट कितना टिल्टेड है, ये व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता है। हाँ, सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में जो प्रॉब्लम होता है वो सर पे अगर बचपन में लगा हो तो ही पति पत्नी के बीच में मनमुटाव नहीं होता। अगर नहीं लगा होगा तो दोनों प्रॉब्लम उठाते होंगे और परिवार के लोगों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। मैं आपका ये उपाय देकर इसको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, कई लोगों को दिया है, कई लोगों को रिलैक्स हुआ है, कई लोगों को। एक लाइन दो लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। भारी मंगल बहुत ज़्यादा उभार है, ऐसे लोगों में शारीरिक ऊर्जा भरपूर रहती है, भरपूर, एक सैनिक या स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है। इनमें एक माइनस पॉइंट होता है, अपशब्द बोलने की आदत होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपशब्द कम होते हैं पर एकदम निकलते नहीं, और जब बुढ़ापा आएगा हाथ पैर नहीं चलेंगे तभी भी ये लोग बहुत ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। भारी मंगल भी काफी उत्तम है, व्यक्ति हिम्मत से मिलता है, अपनी छाप छोड़ता है जब किसी से मिलता है तो, और संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके हाथ में मनी ट्रायंगल है पर बहुत लाइट रेखाओं से बना हुआ मनी ट्रायंगल है, पर मनी ट्रायंगल है जरूर, तो ये एडवांटेज को देगा इनको। राहु रेखाओं का असर इस वजह से कम होता है और मनी संग्रह करने का शौक ज्यादा होता है ऐसे लोगों को। और चंद्र पर्वत फ्लैट है पर अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीजें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत भी काफी उत्तम है, लग्जरियस लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करते हैं। अब हृदय रेखा देखिए इनकी, बहुत पूरी यहां से ये घुमाव ले रही है और ऐसे चलकर आगे जा रही है। जब किसी की हृदय रेखा अगर मंगल की ओर देखे या उसकी कोई शाखा मंगल की ओर देखे तो ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत रहता है। जो व्यक्ति गुस्सा बाहर निकालता है तो उसे स्किन का प्रॉब्लम नहीं होता, जो मन में ही रखता गुस्सा वो स्किन का प्रॉब्लम का शिकार भी बनता है। और मैंने जनरली देखा है 45 से 48 के बीच में कोई 6 महीने ऐसे आते हैं जिनमें व्यक्ति बीमार पड़ता है, डॉक्टर बदलते रहता है, दुनिया भर के रिपोर्ट निकालता है पर कुछ आता नहीं, पर शरीर वो 6 महीना साथ नहीं देता। 45 से 48 के बीच में ये वस्तु होते देखी है लोगों को, कई लोगों को 45 में होती है, किसी को 46 में होती है, 48 तक में ये खेल होता है 6 महीने का, शरीर साथ नहीं देता कोई ना कोई प्रॉब्लम के लिए, डॉक्टर रिपोर्ट भी निकलवाता है पर मंगल अच्छा होता है इनका तो कुछ आता नहीं है, और उसके बाद अपने आप रिलैक्स हो जाता है। और ये लाइन है माँ बाप की सेवा करने वाले हाथ में रहती है, ये फ्लैट लाइन में, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन देखे तो यहां से लगभग स्टार्ट हो रही है, ये चलते चलते इतनी चल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माइंड लाइन तो नहीं कहूँगा, धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक बनोगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे और थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आया तो गुस्सा भी आएगा आपको। अब इनकी जीवन रेखा पर चले और इनका जो मेन प्रश्न है ग्रोथ का उस पर भी फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये अंदाजित 27 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी, 29 में ये राहु रेखा आई और यहां पर भी 29 30 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी,
इनके जीवन में। फिर 31 की ये राहु रेखा आई, इसने भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा। अब इनके वापस उसी पाम पर चलते हैं। थर्टी वन के बाद ये 37 में इस लाइन ने इनके जीवन में सहनाई बजाई। शादी की लाइन हमेशा दूर से आती है, लंबे से आती है, तो इसने शादी कराई। और ये एक लाइन और मुझे कट्टे दिखाई दे रही है, तो हो सकता है 35 के आसपास भी कोई थोड़ी सी तकलीफ आई हो। अब उसके बाद देखे तो ये लगभग अंदाजित 39 या 40 के आसपास यहाँ पर जीवन रेखा टूट गई और यहाँ से दूसरी चालू हो रही है। ये बीच में 3 साल का 43 तक का ये प्रॉब्लम है। अब कोई ना कोई आपके जीवन में ये जब गैप गिरता है, मैं वापस शुरुआत से आता हूँ, ये जब गैप गिरता है तो हमें पता भी नहीं चलता हमारे साथ क्या होता है। और हमारा जो वॉल्यूम है, जो बिजनेस करते होते या जो पैसा आता है, वो कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट किसी और बिजनेस में करने की कोशिश करते, पैसा ना हो तो कहीं से उधार ला के करते और अपने जीवन को वापस स्थिर करने की कोशिश करते, और उसमें पूरा मूलधन के साथ पैसा डूब जाता है। हम सामने वाले को गाली देते, मुझे लूटने वाले लोग मिले, इस तरह का हमारा माइंड बनता है। पर ऐसा नहीं होता, ये आपको जीवन रेखा जहाँ टूटती है वहाँ कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया तो मूलधन भी नहीं आता, वो भी चला जाता है। ये कंडीशन होती है और आपके साथ भी यही हुआ होगा। इस जगह पर 40 के आसपास से लेकर आपका बिजनेस डाउन हुआ होगा, क्योंकि यहां से लाइन टूटी और इसी जगह पे अभी या तो 5-6 जो बदलाव होते हैं उसमें से कोई एक बदलाव आएगा, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना, देश बदलना, कोई ना कोई बदलाव आएगा और आपका जीवन वापस स्थिर हो जाएगा। उसके बाद एक राहु रेखा 45 के आसपास मुझे नज़र आ रही है। अब इतना साफ फोटो तो है नहीं, पर ये राहु रेखा ही नज़र आ रही है। बाकी खुलकर बोलकर कोई मतलब नहीं है, वीडियो है तो ये राहु रेखा ही नजर आ रही है। और एक लास्ट राहु रेखा आपको 55 के आसपास आएगी और यहां पर कोई ना कोई लाइन यहां पर जॉइंट होती होगी, यहां पर कोई बदलाव वापस आता है और फिर आपकी लाइफलाइन ये बन जाएगी और उसके बाद ये बनेगी और इस तरह से जीवन आगे बढ़ेगा। अब ये लगभग यहाँ पर इतना साफ फोटो नहीं है, नहीं तो मुझे यहाँ पर कनेक्शन ये यहाँ पर तो नज़र आ रहा है लगभग। ये 45 के बाद 4 साल 49 या 50 के आसपास वापस बदलाव आएगा, पर यहाँ कोई लॉस नहीं जाने वाला आपको, क्योंकि कनेक्शन रहता है तो यहाँ लॉस नहीं जाएगा। पर कोई घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, ये सारा होता है। अब मैं जनरली घर किसी का योग हो तो कोई ऑफ शूट जाता हो और ट्रायंगल बनता है तो उस पीरियड में व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, तो ऐसा कोई मुझे ऑफ शूट आपके हाथ में नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए आपका इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ये लाइन का मुझे पूछ लेना बाद में। तो ऐसी कोई खास राहु रेखाएं भी नहीं है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको एक बड़ा लॉस एज 37 में गया होगा, जॉब करते होंगे तो जॉब गई होगी, कट था, या कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा, जैसे 37 में शादी हुई तो वो पारिवारिक खर्चा ही आया आपके ऊपर, उसी को आप गिन लो। उसके बाद ये जो कट है, ये एक कट लगभग 46 के आसपास है,
अब इसको कट को और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट कट है। यस, आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो घर आएगा। ये 46 में इन्वेस्टमेंट है और एक इन्वेस्टमेंट आपका एज ऑफ 53 में है। ये यहाँ पर घर आ सकता है या यहाँ पर घर आ सकता है, और उसके बीच में छोटे छोटे लॉस जाएंगे। एक 48 के आसपास जाएगा, एक 50 के आसपास जाएगा, 51 के आसपास छोटे छोटे लॉस जाएंगे, बहुत बड़े नहीं है। अब आपकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। आपकी धन रेखा पहले कोई उत्तम थी नहीं, और आपका जहां इस एज से आपकी धन रेखा उत्तम बनी इस शादी के बाद, और पूरी थ्रेड है अप टू यहां तक। पर ये गैप था, इसके लिए आपको ग्रोथ नहीं मिली। अच्छी धन रेखा होने के बावजूद तो पहले कमाई कर रहे थे, उससे तो ज्यादा करोगे, और यहां आकर फिर थ्रेड मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और ये उम्र होगी लगभग 49। तब तक आपको समय मिले तो मेरी मुंबई ऑफिस में आकर एक बार जरूर वापस से हाथ दिखा देना, जब स्टेबिलिटी आ जाए तो मैं इस रेखा में कितना दम है वो भी मैं बता दूंगा। पर एकदम खराब नहीं बोलूंगा, पर इतनी अच्छी भी नहीं है। और उसके बाद ये रेखा भी उतनी साफ नज़र नहीं आ रही, पर इंक के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। इंक में आगे की लाइन भी मजबूत लग रही है। तो यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी 49 से लेकर 57 तक, पर साइड में दूसरी लाइन है इन्वेस्टमेंट वाली या दूसरे कोई बिजनेस से भी आपको ग्रोथ मिलते रहेगी। तो मुझे बुढ़ापे में कोई ज़्यादा तकलीफ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ लाइन 57 से तो स्ट्रांग है, ये कमज़ोर है, मध्यम टाइप की कमज़ोर है, और यहाँ से वापस आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।